स्वागत है आप सभी का विविध भारती की रंगोली में। स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और जी श्याम का नमस्कार। रेणु जी, जी मेरा नाम है श्याम, जी श्याम। तो फिर मेरा नाम भी है शीन शिना के बुबलाबू। मैं समझा नहीं। मतलब समझा नहीं क्या, ये आपने दोबारा नाम अपना क्यों बताया? अच्छा, अरे दरअसल मैं आपसे कहना ये चाहता था। क्या कहना चाहता था? मैं कहना ये चाह रहा था कि जो हमारे पास गानों की फहरिस्त है, हाँ? उसमें कुछ गाने ऐसे हैं जिसमें नामों का जिक्र है। अच्छा, तो फिर शुरू हो जाइए, फहरिस्त दिखाइए। सबसे पहला क्या नाम है? Thank you.
हाँ जी, जी इन्होंने अपना नाम बता दिया, अब मैं किस्सा बता देती हूँ। बिल्कुल बताइए, सुनाइए। किस्सा है निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई का। जी हाँ, उन्होंने तो बहुत कम उम्र में 21 या 22 साल की उम्र में ही जो है फिल्में करनी शुरू कर दी थी और वो निर्देशक बन गए थे। जी हाँ, लेकिन खास बात यह है कि जब निर्देशक बनना चाह रहे थे तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि मैं राज कपूर को लेकर फिल्म बनाना चाहता हूँ। मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंट थे अपनी फिल्म को लेकर। वो तो कॉन्फिडेंट थे, उनके में आत्मविश्वास था, लेकिन बड़े भाई सुभाष देसाई तो घबरा गए। उन्होंने सोचा कि भाई राज कपूर तो मानेंगे नहीं, क्योंकि मनमोहन देसाई को अनुभव नहीं था कुछ भी। तो दोनों ने मिलकर ये तय किया, राज कपूर और सुभाष देसाई ने, कि राज कपूर की फिल्म का एक गाना मनमोहन देसाई से करवा लेते हैं, फिर देख लेते हैं। फिर क्या हुआ? फिर बस गाना शूट कर लिया गया। कौन सा गाना? हाँ ये, ढलिया मेरा नाम, ढलिया मेरा नाम, ढलिया मेरा नाम, ढलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, ढलिया मेरा नाम, ढलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, ढलिया मेरा नाम। बनी कहानी कैसे, कहीं पे खुशियाँ कहीं पे गम है, क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है ऐसे, वारे तेरे काम कहीं सुबह कहीं शाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। रोक रहे हैं राह मेरी नैनदी पीछे, हम तो खाली बात के रसिया, इश्क नहीं हम सीखे, इश्क नहीं हम सीखे, जहाँ भी देखा काम करता वही सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम। मैं हूँ गरीबों का शहजादा, जो मांगो वो दे दूँ, शहजादे तलवार से खेले मैं अश्कों से खेलूँ, मैं अश्कों से खेलूँ, मेहनत मेरा काम देना उसका काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम। ये देखने के बाद तो बात क्लियर हो गई होगी कि राज कपूर को जो है मनमोहन देसाई का काम पसंद आया। जी हाँ, लेकिन इसमें खास बात क्या थी पता है? वो ये
कि मनमोहन देसाई को ये नहीं बताया गया था कि ये उनकी परीक्षा है। क्यों? भाई ये ना कि पहली बात तो कि अगर उन्हें ये पता चलता कि उनको टेस्ट किया जा रहा है तो हो सकता है वो कॉन्शियस हो जाते, कुछ प्रदर्शन बिगड़ भी सकता था। वहीं एक बात और थी, उनको बुरा भी तो लग सकता था ना। वाह क्या बात है, एक महान कलाकार द्वारा एक बहुत बड़े और सुलझे हुए निर्देशक की राह आसान कर दी गई। जी राज कपूर साहब ने ना, और राज कपूर साहब तो थे ही ऐसे। गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर काया, तकदीर कमारा हूँ, गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ। श्याम जी, इस फिल्म में खास बात थी। जी बात तो है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि एक क्या खास बात थी, ये तो पूरी की पूरी फिल्म ही खास थी। जी मुझे लगता है आपका इशारा जो है वो पृथ्वीराज जी की ओर है। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और राज कपूर के छोटे भाई शशि कपूर, उन्होंने भी तो बाल कलाकार के रूप में राज कपूर के बचपन का रोल इसमें किया है। जैसे मेरा नाम जोकर फिल्म में ऋषि कपूर ने राज कपूर के बचपन का रोल किया था। भाई ये तो पूरे कपूर परिवार की बात चल पड़ी यार। जब ऐसा कुछ है तो क्यों ना बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। हाँ, तो ऐसा करते हैं, शम्मी कपूर का ये गीत देख लेते हैं। अरे
हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। आज दिल पाप तक है इनका राखी कर बैठी करार, प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। कभी दूर जाए के है दिल चुराने की लाखों अदाएं, नहीं तेरे निकला अभी तक तमाशे, नहीं तेरे निकला अभी तक तमाशे, कोई उनसे कह दे कि दिल को बचाए, कि दिल को बचाए। हाय हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना हाल, प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। दिल पाप तक है इनका राखी कर बैठी करार, प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। हम तो मिट के रहेंगे, हमारा है क्या हम तो मिट के रहेंगे, जहाँ तुमने देखा जरा मुस्कुरा के, जरा मुस्कुरा के। दिल को अब तक है इनका राखी कर बैठी करार, प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना हाल, प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। जमाना तुम्हारा निगाहें उधर है इधर है इशारा, ये पैगाम देते हैं जुल्फों के साए, ये पैगाम देते हैं जुल्फों के साए, चला आए जो है मुहब्बत का मारा, मुहब्बत का मारा। हुस्न चला ऐसी चाल दीवाने का पूछना हाल, प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। दिल का अब तक है इनका राखी कर बैठी करार, प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। रेणु जी, ये जो है गाना तो आपने बहुत अच्छा दिखाया, बिल्कुल, लेकिन ये लेकिन क्या, मैं ये सोच रहा था कि आप कोई और गाना दिखाएंगे। क्यों, मतलब शम्मी कपूर पर फिल्माएं तो सभी गाने सुपर डुपर हिट हैं। वो तो है, लेकिन शम्मी कपूर जी का जो एक अंदाज है और जो डांस वाले गाने होते अच्छा हैं उनके मतलब आपने बिल्कुल डांस का मूड बना लिया था। बिल्कुल, जैसे ही उनका नाम सुना कि शम्मी कपूर जी के गीत अब हम देखने वाले हैं तो बिल्कुल मेरा मूड हो गया था। ठीक है, मायूस मत होइए, ये गीत अब देख लेते हैं।
बड़ा कातिल है मेरा यार चिन्ना चिंचिंचू, बड़ा कातिल है मेरा यार चिन्ना चिंचिंचू, बड़ा कातिल है मेरा यार चिन्ना चिंचिंचू। हाथ में तीर न तलवार चिन्ना चिंचिंचू, हाथ में तीर न तलवार चिन्ना चिंचिंचू। ये नाज पे जिस नाज पे लैला मिट जाए, हाय ये नाज के जिस नाज पे लैला मिट जाए, हाय ये हुस्न के जिस हुस्न पे दुनिया लुट जाए। दिल इसे देखे तो मुश्किल है के खामोश रहे, मेरा जिम्मा है किसी को भी अगर होश रहे। हाय 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 सदके है कुछ ऐसा मेरा दिलदार चिन्ना चिंचिंचू, बड़ा कातिल है मेरा याद चिन्ना चिंचिंचू, बड़ा कातिल है मेरा याद चिन्ना चिंचिंचू, बड़ा कातिल है मेरा याद चिन्ना चिंचिंचू। हाथ में तीर न तलवार चिन्ना चिंचिंचू, हाथ में तीर न तलवार चिन्ना चिंचिंचू। इनकी हर बात पे निकले न मेरा दम कैसे, निकले न मेरा दम कैसे, ये अदाएं हो तो कुर्बान हो हम कैसे। कभी इस तरह खफा जैसे कोई प्यार करे, कभी खामोश के जैसे कोई इकरार करे, और कभी इकरार में इनकार चिन्ना चिंचिंचू। बड़ा कातिल मेरा दिलदार चिन्ना चिंचिंचू, बड़ा कातिल मेरा दिलदार चिन्ना चिंचिंचू, बड़ा कातिल है मेरा याद चिन्ना चिंचिंचू। हाथ में तीर न तलवार चिन्ना चिंचिंचू, हाथ में तीर न तलवार चिन्ना चिंचिंचू। चाहा था कि जालिम को न चाहेंगे कभी, हमने चाहा था कि जालिम को न चाहेंगे कभी, एक सितमगार से अब यूं न निभाएंगे कभी। पर करें क्या कि हम ही हो के खफा भूल गए, जब मिली आंख तो सब जोर जफा भूल गए। ओ कसम खुदा की क्या करे आ ही गया प्यार चिन्ना चिंचिंचू, बड़ा कातिल है मेरा याद चिन्ना चिंचिंचू, बड़ा कातिल है मेरा याद चिन्ना चिंचिंचू, बड़ा कातिल है मेरा याद चिन्ना चिंचिंचू। हाथ में तीर न तलवार चिन्ना चिंचिंचू, हाथ में तीर न तलवार चिन्ना चिंचिंचू, बड़ा कातिल है मेरा याद चिन्ना चिंचिंचू, बड़ा कातिल है मेरा याद चिन्ना चिंचिंचू, बड़ा कातिल मेरा याद चिन्ना चिंचिंचू, बड़ा कातिल।
डांस कर लिया, मूड ठीक है आपका, बैठ जाइए। मैं बैठा हुआ हूँ और मेरा मूड बहुत ठीक है। और कहना ना होगा कि शम्मी कपूर जी की यही अदा जो है उनके चाहने वालों को पसंद आती है। ये बात तो है। लेकिन आप कार्यक्रम के शुरू में कुछ फेहरिस्त और नाम वाम की बात कर रहे थे ना। कहने का मतलब ये है कि आप नामों से संबंधित कुछ जानकारी हमें देना चाहती हैं। हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि पुराने जमाने में ज़्यादातर सभी हीरो हीरोइन ने अपना नाम, मतलब अधिकतर ने अपना नाम बदला, जो उनका मौलिक नाम था उससे ना। जी हाँ, मूल नाम से बदल कर, जैसे राजेश खन्ना है, हाँ? कुमकुम है, मीना कुमारी है, धर्मेंद्र है, जी हाँ दिलीप कुमार भी हैं, जितेंद्र भी हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम बदला, अपने मतलब यूं कह सकते हैं कि अपने फेवरेट कलाकार के नाम पर रखा। वो कौन है? मनोज कुमार। मनोज कुमार वो तो फैन है दिलीप कुमार के। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दिलीप कुमार, मनोज कुमार, आप सोच रहे हैं कि नाम दिलीप कुमार क्यों नहीं रखा? हाँ जी। मनोज कुमार का नाम था हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, ठीक है। अब वो फिल्म देखने गए शबनम, उस फिल्म में दिलीप कुमार का नाम था मनोज कुमार, और उस फिल्म में दिलीप कुमार के अभिनय से कुछ इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। वाह क्या बात, इसे कहते हैं सच्चा दीवाना। तो आइए सच्चे दीवाने का ये गीत देख लेते हैं। जी, जब बात मनोज कुमार की चल रही है तो क्यों ना इसे आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, मैं भी आपसे ये कहना चाहता था कि मुझे भी इस तरह के किस्सों में बड़ी दिलचस्पी है। केवल आपको नहीं बल्कि जो फिल्म के शौकीन लोग होते हैं उन्हें होती ही है इस तरीके की जो किस्से होते हैं उसमें ना। जी, कोई और किस्सा है आपके पास? किस्सा क्या, जैसे कि मनोज कुमार ने अपना नाम बदला, वैसे ही उनकी फिल्मों को देख देख कर लोगों ने उनका नाम बदल दिया, भारत कुमार बना दिया। जी हाँ, और ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि उनके प्रति एक सम्मान है जो उन्होंने फिल्मों के माध्यम से लोगों को दिखाया, जो उनके दिल में है, देश के प्रति जज्बा, देश के प्रति निष्ठा, लगाव, सम्मान, वो सब उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। तो आइए उन्हीं की फिल्म का ये गाना सुनते हैं। आज तो किस्से ही किस्से हो गए हैं रंगोली में। जी हाँ, कभी कभी मोहब्बत से हटकर भी बात कर लेनी चाहिए ना। कहने का मतलब अभी आपके पास कुछ किस्से और हैं। अब ये बताइए कि किस कलाकार का किस्सा आप सुनना चाहते हैं। अच्छा, तो अब जो हम गाना दिखाने जा रहे हैं वो है देवानंद की फिल्म का। अच्छा, तो उनसे जुड़ा हुआ किस्सा आप चाहते हैं। जी बिल्कुल। भाई ऐसे हैंडसम कलाकार, भाई दीवानगी तो इस तरह से थी उनकी कि क्या बताएं, सभी जानते हैं। ये तो है कि उनके जाने के बाद भी उनकी दीवानगी जो है आज तलक बरकरार है, कायम है। जी हाँ, और एक ज़माना था यानी कि जब काला पानी फिल्म रिलीज हुई तब तो कहते हैं कि वो काला कोट पहनकर निकलते थे तो लड़कियां उनको पास से देखने के लिए छत तक से कूद जाया करती थी। जी, और यहाँ तक कहा जाता है कि पब्लिक प्लेस में उनके काला कोट पहनकर जाने पर पाबंदी लगा दी थी। अब ये बात कहाँ तक सच है ये तो हम नहीं कह सकते। हो सकता है रेणु जी, ऐसा हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अच्छा, ये बताऊंगा जरूर, लेकिन देवानंद साहब के इस गाने के बाद। अच्छा।
माता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना अरे माने ना मेरा दिल दीवाना ओ तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना है समा हर नजारा है जवां छा गया चारों तरफ मेरी आहों का धुआं दिल मेरा मेरी जान जला तू कहां ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना है माने ना मेरा दिल दीवाना पूछा जो पता वो भी कल रात गई और बेचैन दिया प्यार से तू मुझे देखा तू कहां ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना हाय रे हाय माने ना दिल दीवाना बहारों ने सुना दर्द का राग मेरा रह गुजारों ने सुना तू भी सुन जाने मन आ भी जा तू कहां ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना है माने ना मेरा दिल दीवाना प्यार का देखो असर आए तुम थामे जिगर मिल गई आज मुझे मेरी मन चाही नजर क्यों छुपा एक झलक फिर दिखा तू कहां ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना सुरों की है मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आपने देवानंद के बारे में बात बताई हाँ। वैसे राजेश खन्ना के बारे में भी कई किस्से जो हैं वो मशहूर हैं भाई वो भी अपने ज़माने के सुपरस्टार तो क्या बताने जा रहे हैं आप मैं ये बताने जा रहा था जैसे कि लड़कियां उन्हें खून से खत लिखा करती थी अच्छा और उनकी कार को चूम लिया करती थी ये बात लेकिन मतलब सच भी हो सकती है नहीं भी लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे किस्से अक्सर अतिरंजित होते हैं ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है लेकिन दीवानगी तो दीवानगी ही होती है ना ये बात भी सही है
लेकिन दीवानगी सिर्फ आम लोगों में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी मतलब फिल्मी हीरोइनें भी बहुत दीवानी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक और किस्सा है जो आप सुनाना चाहती हैं। भाई ये देवानंद साहब की ही बात है कि उनके लिए हर हीरोइन दीवानी थी और चाहती थी कि उनके संग काम करें। जी हाँ, लेकिन हीरोइन के तौर पर, बहन के रोल में नहीं। क्या? जी हाँ, चौंक गए ना। जी बिल्कुल। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जब वो फिल्म हरे राम हरे कृष्ण बना रहे थे तो जाहिर है कि उसमें किरदार उनकी बहन का था, निभाना था। सभी हीरोइन ने मना कर दिया, तब जाकर नई हीरोइन जीनत अमान को ये रोल दिया गया। ये बात मुझे नहीं पता थी। आपका मनोरंजन हो चाहे जिससे, यही चाहते हैं हम।
यही चाहती है विविध भारती की रंगोली। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। अभी दीजिए इजाजत रेणु चतुर्वेदी और जी श्याम को। नमस्कार, नमस्कार। सतरंगी है ये अटखेली, रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली, रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों